नमस्कार देवियों सज्जनों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है, तो हमारी कविता का शीर्षक है 102 नॉट आउट। कि ये कैसी कहानी है, ये कैसी कहानी है। अरे भाई साहब, अभी तो शुरुआत है, आगे है, इसको सुनिए तो सही। हाँ, कि ये कैसी कहानी है जहां बेटा तो बूढ़ा है और बाप पर छाई जवानी है। क्या बात है, वाह वाह। या सुनिए और सुनिए, कि जीवन को सालों से नहीं अपने खुशनुमा तरीके से जीता है। क्या बात है, सालों से नहीं अपने खुशनुमा तरीके से जीता है। बेटा टेंशन में योगा करता है और बाप फुटबॉल खेलते हुए मस्ती से जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमाल की बात है, कमाल की बात है कि वृद्ध आश्रम में बाप को नहीं बेटे को जाना है। कमाल की बात है कि वृद्ध आश्रम में बाप को नहीं बेटे को जाना है। मस्ती भरा है जीवन उसका, मत सोचो कि उल्टा जमाना है। मत सोचो कि उल्टा जमाना है, ये कैसा बाप है। शुक्ला जी सुनिएगा, आप, ये आप ही के लिए है। अच्छा, ये कैसा बाप है जो बेटे को अपनी बीवी के लिए लव लेटर लिखवाता है। बताइए, ये कैसा बाप है जो बेटे को अपनी बीवी के लिए लव लेटर लिखवाता है, बारिश में उसके साथ भीगता उसको नाचना। बारिश में उसके साथ भीगता उसको नाच नचवाता है, उसको विश्व में सबसे उम्रदराज होने का रिकॉर्ड तोड़ना है। उसको विश्व में सबसे उम्रदराज होने का रिकॉर्ड तोड़ना है, चाहे कितनी भी परेशानी हो जीवन में, मुस्कुराना नहीं छोड़ना। कितनी भी परेशानी हो जीवन में, मुस्कुराना नहीं छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनिए, ये अंतिम पद है कि जब औलाद नालायक निकले तो उसे भूल जाना चाहिए और सिर्फ उसका बचपन याद रखना चाहिए। फिर से सुनिए इसको, कि जब औलाद नालायक निकले तो उसे भूल जाना चाहिए और सिर्फ उसका बचपन याद रखना चाहिए। बाप कितना भी कठोर बोले, उसका दिल दरिया है, ये बच्चों को याद रखना चाहिए।